हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक ऐसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम एनएक्स सॉफ्टवेयर में सीखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पीएमआई। पीएमआई जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे ड्राफ्टिंग में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक्चुअली मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं पीएमआई के अकॉर्डिंगली, कि जैसे हम पीएमआई जो डायमेंशन है क्या हम उसको ड्राफ्टिंग में डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक बॉडी तैयार कर लेता हूँ, तो मैं बना लेता हूँ, इसको कर लेते हैं 18। इसको भी 80 कर लेते हैं। उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। फिफ्टी एक्सट्रूजन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक एक्सट्रूड कट भी करते हैं लाइक दिस। यहाँ से भी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और साथ में एक मैं यहाँ पे चैम्फर प्रोवाइड करता हूँ इसमें, सिमेट्रिक चैम्फर जो कि हम 20 कर लेते हैं। ओके राइट ओके। तो अब हम इसमें सबसे पहले तो पीएमआई के लिए हमें एप्लीकेशन में जाके पीएमआई को ऑन करना है। तो हमारे पास एक टैब आ जाएगा पीएमआई का, जहाँ पे हम ये डायमेंशन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि इसमें आपको मॉडल व्यू में जाके एक तो आइसोमेट्रिक व्यू जो है, जिस भी व्यू में आपको ये बनाने हैं उसको एक बार एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसको वर्क व्यू कर लीजिए लाइक दिस। जैसे मैं आइसोमेट्रिक ड्राॅइंग को ही इसमें लाना चाहता हूँ, तो मैं आइसोमेट्रिक लगा लेता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पर रैपिड डायमेंशन है, और रैपिड डायमेंशन में हम इसकी डायमेंशनिंग करते हैं यहाँ से लेके यहाँ के देखिए। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ से और इस डायमेंशन को, और उसके बाद हम करेंगे ये वाली डायमेंशन और साथ में ये वाला पॉइंट को कि ये कितना है। रख देते हैं इसको, तो ये 20 हो जाता है। और ये हाइट हमारी टोटल कितनी है, हाइट के लिए मैं एक लाइन ये यूज़ करता हूँ और एक ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ओके उसके बाद हम ये वाली डायमेंशन दे लेते हैं यहाँ से, और यहाँ की डायमेंशन मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ और सेम ही हम यहाँ से और यहाँ की स्पेसिफाई कर देंगे लाइक दिस। ओके अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ की डायमेंशन स्पेसिफाई कर दी है। अब मैं इस मॉडल को जो है मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस। दिस पी सी 20, इसका नाम मैं ओके दिस इज़ द फोल्डर, इसके अंदर मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसका नाम डिफाइन कर देते हैं मॉडल 1। ओके दैट्स इट, ये डिफाइन कर देते हैं। अब यहीं से मैं एप्लीकेशन में जाके हम जाएंगे
ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है हमारे पास शीट साइज़, चूज़ कीजिए कौन सी शीट पे आप करना चाहते हैं। मैं A3 ले लेता हूँ एंड देन ओके। और यहाँ पे हम जो है फेस व्यू लेके आते हैं और एक यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू को डिफाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे एक PMI का ऑप्शन है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम मॉडल व्यू के अंदर जो भी डायमेंशन है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी सारी की सारी डायमेंशन इसके व्यू के ऊपर वैसे के वैसे ही आ चुकी है। तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया है और PMI की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। PMI की दोस्तों फुल फॉर्म है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अब हम वापस उसमें चलते हैं, एप्लीकेशन में मॉडलिंग के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक और ऑप्शन रहता है दोस्तों आपके पास, आप किसी भी एक्सट्रूड के अंदर जाके जो भी आपने डायमेंशंस बनाई हुई हैं उसको एज अ PMI कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। कन्वर्ट टू PMI का ऑप्शन आता है आपके पास, आप यहाँ पे नहीं आ पा रहा हो, इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ। ये कन्वर्ट द ड्राइंग डाटा टू करस्पॉन्डिंग PMI, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये आपके सामने आ जाता है। तो आप इसी की स्केच की डायमेंशन जो है उसको भी PMI में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ, और ऑलरेडी हमारे पास डायमेंशनिंग है तो हम उसको देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी जो इस वीडियो में मैंने शेयर की है। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। और इसी के साथ हम आज कंक्लूड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।